अब आप ही की जामे बनोरिया का अलामिया जारी किया गया कि एसओपी के तहत ही एतकाफ में जो है वो बैठा जाएगा, वो एसओपी क्या होंगी और कितने लोग हैं जो कि बैठ सकेंगे एतकाफ में, तादाद क्या होगी? पहले हमारे यहाँ बैठा करते थे 125-150 आदमी, सही है। इस दफा हमने सिर्फ 15 से 20 आदमी रखे, सही। और उसमें भी अलग अलग जैसे क्रेंटीन होता है, अलग अलग पर्दे लगा कर रखा है और उन शराइत के मुताबिक जो हुकूमत ने की है कि 50 साल से नीचे के होने चाहिए और उनके बुखार वगैरह चेक करके उनको जो है आज असल से ही उनकी चेकिंग शुरू हो गई है। अच्छा। उसके बाद उनको भेजेंगे। इसी तरीके से पूरी जो 20 नुकाती एजेंडा दिया है उसके मुताबिक एहतिकाफ करेंगे। अच्छा। क्योंकि एहतिकाफ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी किया है, कभी नहीं छोड़ा। और एहतिकाफ होता भी मस्जिद में है, जैसे बाद लोग कह रहे हैं घरों में एहतिकाफ कर लो, घरों में कोई एहतिकाफ नहीं होता मर्दों का, तो इसलिए वो नफली एहतिकाफ होता है। नफली एहतिकाफ भी जो है वो औरतों का तो घरों में होता है, लेकिन मर्दों के लिए तो ये है कि मस्जिद में करें। अच्छा मुफ्ती साहब, अभी आपने कहा कि हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि समाजी फासला बरकरार रखा जाए, सैर और इफ्तार में ही होता है कि जो एतिकाफ में होते हैं लोग वो साथ मिलकर सैर और इफ्तार करते हैं, तो इस बात को कैसे यकीनी बनाया जाएगा कि यहाँ पर भी समाजी फासले का ख्याल रखा जाए? हमने उसमें ये रखा है कि एतिकाफ के अंदर और सैरी इफ्तारी में ये रखा है कि दूर दूर फासले से लोग बैठेंगे। अच्छा। सैरी इफ्तारी करने के लिए और जो जो फासले हुकूमत ने तय किए हैं उसके मुताबिक वो एहतिकाफ में सैरी इफ्तारी करेंगे और जो चाहे तो अपने पर्दा जो है तनाई में जो लगाया हुआ है उसका उनके अंदर उनको सैरी इफ्तारी का सामान भेज देंगे, वो अपना कर लें। और उसमें भी हमने डिस्पोजल प्लेटों का इंतजाम किया है गिलासों का ताकि उनको फेंक दिया जाए धोना। अच्छा एक और चीज़ है कि आपने कहा कि हमने ज़ाहिर 150 लोग एतिकाफ में बैठते थे, लेकिन अब 15 से 20 लोग हैं जो एतिकाफ में बैठेंगे, उनकी उनके रहने के हवाले से और जो चीज़ें वो इस्तेमाल करेंगे रोज़मर्रा, सिर्फ सैर व अफ्तार नहीं जो रोज़मर्रा पूरे दिन इस्तेमाल करेंगे, उस हवाले से जामे बनोरिया ने क्या SOPs बनाई है? रोज़मर्रा क्या इस्तेमाल करेंगे रोजे में? जो भी उनकी जो चीज़ें होंगी क्या वो अपनी ही चीज़ें लेकर आएंगे वो इस्तेमाल करेंगे? नहीं नहीं नहीं, सब इदारा करता है, लोगों को आने की इजाजत नहीं होती। अच्छा। ये नहीं और कोई उनसे मिल भी नहीं सकेगा, अपने घर से लेकर आए। आज जो जिनको कोई परहेजी खाना हो कभी मिर्चे बगैर खाने वाले हैं, ठीक है, तो पहले उनकी हम उनकी लिस्ट बना लेते हैं उनको बता देते हैं। अच्छा मुफ्ती साहब, क्योंकि महकमे दाखिला सिंध ने तो कहा कि कोई हुकूमत ने तो कोई फैसला किया ही नहीं एहतिकाफ होगा या नहीं होगा, क्योंकि बाकी सूबों में तो बता दिया गया कि कहाँ होगा, पंजाब में तो खैर ये कहा गया कि एहतिकाफ होगा ही नहीं, लेकिन बलूचिस्तान और KPK मशरूत परमिशन दी गई, लेकिन सिंध में तो अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। आप लोग जो SOP पर अमल कर रहे हैं वो खुद ही कर रहे हैं, अपने तौर पर कर रहे हैं, बाकी मसाजिद में लोग क्या करेंगे फिर? जो जो उसूल और SOPs बनाए गए हैं तो उसके मुताबिक करेंगे। जब बाजारों के अंदर खोल दिए गए, दुकानें खोल दी गई हैं, उसमें इतना ज्यादा रश है, इस पर SOPs पर काबू नहीं किया जा रहा, जबकि सबसे ज्यादा काबू जो है SOPs पर कर रहे हैं वो मसाजिद वाले कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। आज भी मसाजिद में आप चले जाए कर रहे हैं, तो जहाँ एहतमाम हो रहा है उनको छेड़ना है इबादत को, और जहाँ बिल्कुल एहतमाम नहीं हो रहा उनको कुछ नहीं कहना, ये रसूल में नहीं है। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा मुफ्ती साहब, ईद की नमाज के हवाले से भी बहुत बहस हो रही है, हुकूमत अभी भी इस बारे में कोई अभी फैसला तो नहीं कर पाई है, ईद की नमाज इन SOP के साथ कैसे हो सकती है, ईद का इज्तिमा कैसे हो सकता है? SOPs के साथ जुम्मा हो जाता है, ईद की नमाज भी ऐसी SOPs के साथ हो, कौन सा मसला है? अच्छा हो सकती है। ईद की नमाज में लोग ज्यादा है हाँ। तो फिर एक नमाज नहीं, दो नमाजें हो जाए, तीन नमाजें हो जाए, चार नमाजें हो जाए, उसमें क्या है? ठीक है, बिल्कुल सही। भाई जाना मत, ये बॉल लग रही है आपको बहुत ज्यादा, इस्लामाबादी का जीत के 10 लाख रुपए से पूरे। अरे दारू का शो है यार, तुम तो ड्रामा कर रहे हो बीच में यार, तोड़े दे आप मुझे। हाथ ऐसे करना सोशल डिस्टेंस नहीं होता, दूर होना होता है। आप
गेम शो ऐसे चलेगा लीग रोजाना 7:30 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर।